जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही प्रार्थना है, आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे। आज मैं आपको ये जानकारी देने के लिए आई हूँ चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा अगर नीच का होता है, डेबिलिटेड होता है, तो हमारे जीवन के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है। बात बात पे हमारे को रोना आता है, काम बनते बनते बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, माँ को तकलीफ आ सकती है, धोखे बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। इमोशनल होकर के बातों में आ जाते हैं और हमारे को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो हमारे को चंद्रमा को किस तरीके से ठीक करें, तो वही मैं आपको बताने के लिए आई हूँ कि चंद्रमा जिनका डेबिलिटेड है या चंद्रमा वीक है, चंद्रमा की डिग्री कम है, तो उसको कैसे पावर दी जाए। चंद्रमा माँ है, मन भी है और माँ भी है, इमोशंस भी है। जो भी हमारी जीवन के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी किसी भी तरीके का अगर हमारी जीवन के अंदर कष्ट आता है, और कोई आपने कुछ लोगों को देखा होगा, बात बात पे रोना आ जाता है, बात बात पे उनको ना उनका मन भर आता है, बात बात पे उनको हर बात फील हो जाती है। और चंद्रमा इंट्यूशन का भी पावर है, इंट्यूशन भी है कि आपने देखा होगा कुछ लोग की इंट्यूशन इतनी पावरफुल होती है कि अगर वो कोई उनके बारे में कोई बात भी कर रहा है तो उनको पहले से पता चल जाता है, आभास हो जाना। तो चंद्रमा आभास भी है, हमारे को हर चीज का ज्ञान भी वहां से हमारे को मिलता है। तो ऐसा हम क्या करें कि चंद्रमा को हम स्ट्रांग करें, हमारी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो। इंट्यूशन पावर हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन हम उस जो अंतरात्मा है उसकी बात को सुन नहीं पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं। कई बार आपने देखा होगा जब हम प्रेस कर रहे होते हैं तो उस पीरियड के अंदर हमारी अंदर से एक आवाज आती है, तुम प्रेस कर रहे हो, जल जाएगा कपड़ा, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं और हमारा कपड़ा जल जाता है। तो ये हमारी इंट्यूशन है। तो चंद्रमा को अगर हम स्ट्रांग करते हैं तो हमारी इंट्यूशन पावर भी स्ट्रांग हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मंडे को सोमवार वाले दिन अपनी माँ से, जो आपकी मदर है, उनसे आपने चांदी का सिक्का लेना है या चांदी का स्क्वायर में उनसे लेना है, और एक वाइट कपड़ा लेना है, उसके अंदर चावल रखने हैं। सोमवार वाले दिन आप अपनी माँ से उनको बोलिए कि ये मुझे दे दें, वो आपको दे, और पूरी श्रद्धा के साथ में कि इसका जो इंट्यूशन पावर है, इसका जो मन है मजबूत हो और इसको लाइफ के अंदर सक्सेस मिले, ऐसे भाव से आप अपनी माँ से वो लीजिए और उसको आप हमेशा अपने पर्स के अंदर रखें। कहीं पर भी जाए, पर्स अगर चेंज भी करना पड़े तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप एक पाउच के अंदर उसको अपने पास रखिए, इससे आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा। दूसरा उपाय आपके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, आप ये करेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा, पूर्णिमा। कहते हैं जब चंद्रमा किसी का डेबिलिटेड होता है तो जिस समय चंद्रमा ढल रहा होता है तो प्रॉब्लम देने शुरू कर देता है, और चंद्रमा जब उठना शुरू होता है तो हमारे अंदर अच्छे भाव और एक खुशी सी होनी शुरू हो जाती है। तो 15 दिन जिनका डेबिलिटेड होता है, 15 दिन उनके खराब जाते हैं और 15 दिन अच्छे जाते हैं। तो हमारा पूरा महीना अच्छा रहे उसके लिए क्या करना है, पूर्णमासी वाले दिन आपने सत्यनारायण की कथा करनी है। अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या फिर पंडित जी को बुला लीजिए। उस दिन कुछ ना कुछ कसार होता है, आटे को भून करके उसमें शक्कर मिला करके वो भगवान को भोग लगाइए और सत्यनारायण की कथा करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा जिनका चंद्रमा वीक है। दूसरा, पूर्णमासी वाले दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ में उगता है, तो उस पीरियड के अंदर आप चंद्रमा की रोशनी के अंदर त्राटक करें। त्राटक मीन्स कि आप कंटिन्यू उनको देखें, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 1 मिनट, जितनी आपसे हो सके उसको करना है, और उसके बाद में आपने आंखों को बंद करना है और ये प्रार्थना करनी है, हे चंद्र भगवान, हे चंद्रमा, आप अपनी पूर्ण दृष्टि मेरे ऊपर डालें और मेरे जीवन को शीतल करें और मेरे जीवन को सफल करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय श्री राम।